तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम आपको बता दें कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले मैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हूँ। तो इस टाइम मैं प्रयागराज में हूँ, तो मैंने सोचा कि जिस मैं होटल में मतलब रुका हुआ हूँ, मैं यहाँ पे होटल में रुका हुआ हूँ, तो उस होटल का कुछ ऐसा मतलब है कि जो है इतना पुराना होटल बना हुआ है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि इतना पुराना होगा जितना मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और ये ऐसा लग रहा है कि शायद 8-10 साल पुराना होटल है डेंटिंग पेंटिंग के हिसाब से, लेकिन ये काफ़ी पुराना होटल है। सन 1900, आगे वीडियो में बताएंगे सन 1900 कितनी मतलब सन का है। ठीक है, तो इतना पुराना होटल है ये कि आप यही सोचेंगे यार कैसे इतना पुराना होटल है। तो और बैक साइड भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चले। और इस होटल में कुछ जगह ऐसी भी हैं कि आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितना पुराना होटल है। तो चलिए अब होटल आपको हम दिखाते हैं। ये है मेन गेट होटल का, और थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे ही, अभी बाद में आके नीचे दिखाएंगे आके उसके बाद। ठीक है, और जो है अभी अंदर चल के देखते हैं रूम वूम कैसे हैं। चलिए, तो अब गेट खोल लेते हैं। और अब ये मेन एरिया है सबसे नीचे वाला, देखिए ये एक रूम ये हो गया, और दूसरा रूम ये हो गया। ये अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बुक है रूम, तो लोग अभी बाहर गए हुए हैं। यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा। ये 33 नंबर रूम, ये भी लगभग बुक है। और ये है पानी, मतलब इससे सभी लोग पानी ले जाते हैं, सभी लोग पीते हैं, फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए, अब नीचे का तो हो गया है, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा है। रिसेप्शन नहीं दिखाया था, ये देखिए रिसेप्शन है, ये भाई खड़े हुए हैं। तो चलिए अब छत पे चलते हैं, मतलब ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे। अब जो है यहाँ पे एक जो बंदा है वो हमको रूम दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेगा। अब ये देखिए एक रूम ये है 101 नंबर, ये है डीलक्स, डीलक्स है ना, ये डीलक्स है। देखिए ये टीवी भी लगी हुई है और एसी भी है, और इसी में अटैच बाथरूम भी है। लाइट चालू करें? नहीं, लाइट रहने दो, हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया है रूम, पंखा भी है। तो चलिए अब अगले रूम की तरफ बढ़ते हैं। और ये 105 नंबर है, क्योंकि 101 दिखाया अभी आपको, अभी अब 105, और हो सकेगा अभी 102 103 अभी और दिखाएंगे। ये देखिए ये भी डीलक्स है, एकदम नंबर 1 का रूम। ये देखिए यहाँ पे डबल बेड है और सभी चीज़ मतलब सभी सुविधाएं, ये इसमें भी एसी लगा है। और ये देखिए अटैच बाथरूम सब, दोनों इसमें हिंदी वाली भी है जो अपने लोग यूज़ करते हैं सभी के घरों में, और ये इंग्लिश वाली भी है ऐसे समझो। और ये कुछ कवाड़ भी है, मतलब इसमें सभी चीज़ अपनी रख सकते हैं। अब आते हैं अगले रूम की तरफ। ये कितना नंबर है, ये 2 नंबर, मतलब 102 नंबर है। इसमें भी यही सब कुछ है, टीवी वगैरह, और इसमें भी अटैच है बाथरूम। ये सभी डीलक्स है ना, ये सब डीलक्स रूम थे जो आपको हम मैंने दिखाए। और ये है 106 नंबर, तो इसको मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि जो यहाँ पे बुक करे हुए हैं वो गए हुए हैं बाहर कहीं। अब चलते हैं
आगे बढ़ के देखते हैं। और ये देखिए कितनी बेहतरीन डिज़ाइन देखी है ग्रिल की है। अब चलते हैं आगे वाले रूम की तरफ। और ये कौन सा है? ये 108 नंबर है, ये भी बंद है। और ये देखिए कितनी जगह कम देखिए निकलने भर की। और ये है 109 नंबर, ये सादा है, ये सिर्फ टीवी वाला है। हाँ। मतलब इसमें सिर्फ टीवी वगैरह इधर है। हाँ, इस साइड है टीवी, सिर्फ इसमें टीवी है और भी मतलब बस ऐसा ही है जो कुछ है फिलहाल। डबल बेड है, बाथरूम भी अटैच है। चलिए अब आगे रूम में चलते हैं। बहुत बड़ा है और ये है 110 नंबर। इसमें लोग अंदर हैं अभी तो उनको परेशान नहीं करना चाहते हैं। और ये है 111 नंबर, इसमें ताला लगा है अभी। अब किधर चलना है? ऊपर। चलिए ऊपर चलिए। तो चलिए अब थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। और ये हैं सीढ़ियाँ। और ये ग्रिल बहुत भाई डिज़ाइन वाली बनी हुई है वाकई में यार। आजकल तो सब एल्युमिनियम चल रहा है लेकिन ये बहुत बना हुआ है। तो इधर हैं तो देखिए ये सब, इधर कई एक रूम है, इधर पांच रूम हैं। तो इधर लगभग सब बुक हैं, जैसे कि 201 और 202, 203 और 204, 205, ये सभी बुक हैं। अंदर सभी लोग हैं इस टाइम। तो अब हम थोड़ा अलग हट के जाते हैं और इधर देखते हैं। और ये भाई कैमरा भी लगा हुआ है चारों तरफ, देख लीजिए वो सामने। ये कितना है? 206। इसमें तो तीन बेड पड़े हुए हैं, मतलब सिंगल सिंगल तीन बेड पड़े हुए हैं। और इसमें भी टीवी लगी हुई है और पंखा वंखा है वगैरह। इसमें भी अटैच बाथरूम है, ये भी एक नंबर रूम है भाई बिल्कुल। चलिए अब आगे दिखाते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं और रूम। ये है 207 रूम, ये खुला हुआ है। इसमें जो हैं लोग वो सब वर्कर हैं जो हमारे संग हैं। ये देखिए इसमें सिर्फ दो बेड पड़े हुए हैं और ये पंखा चल रहा है सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं है, थोड़ा ऐसे वाला है। और जे मामा लेटे हुए हैं, जे हंस रहे हैं मामा, तो हमने कहा कि लव वीडियो बना ले तो हंसने लगे, तो हमने कोई बात नहीं, हंसो आप। और ये देखिए कितनी पतली गली सी लग रही है, जो लग रहा है बिल्कुल पतली गली, मतलब साइकिल खाली चल पाएगी यहाँ पे, लेकिन साइकिल आ ही नहीं पाएगी, पैदल चलने वाले के लिए है। अगर दो में आपको दिखाते हैं 208 नंबर रूम, ये है, ये हमारा रूम है। बहुत बेकार पड़ा हुआ है, सब फैला फैला है। जो देखिए ये देखिए 208 नंबर रूम, ये हमारा रूम है जिसमें हम रह रहे हैं। ये पंखा है, ये डबल बेड है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। 209 नंबर, ये भी बुक है, इसमें ताला पड़ा है, गए हुए हैं। और ये है लेटरिन बाथरूम। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है इस होटल में कुछ ऐसी जगह हैं पुरानी भी रह गई हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी। तो देखिए ये कितनी पुरानी है, ये ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा रह गया है, ये देखिए, ये बिल्कुल करीब से देखिए है। तो चलिए और दिखाते हैं आपको 210 नंबर, इसमें भी ताला पड़ा है। और दो सौ ग्यारह नंबर, इसमें अंदर लोग हैं। और 212 नंबर, इसमें भी लोग हैं। और इसमें ये 213 है, ये अंदर कोई लेटा बैठा है, ऐसे जाना सही नहीं रहता। तो गाइस
अब मैंने जहाँ तक आपको सभी रूम दिखा दिए हैं, और देखिए ऊपर ये भी कैमरा लगा हुआ है जिससे सेफ्टी सही रहती है होटल की। और देखिए ये डिज़ाइन देखिए आप, बिल्कुल बारीकी से कितनी अच्छी डिज़ाइन है और कितनी मतलब अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और कैसे बनाया होगा इस डिज़ाइन को यार, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मतलब यार। और ये कितना पुराना होटल है ये पता, 1935 में ये बना था और 5 साल में करीब बन पाया, मतलब 1940 में कंप्लीट हुआ था। और ऐसे कुछ देखिए 1940 में कंप्लीट हो पाया, और उसके बाद ये पहले तो फैमिली मतलब कोठी थी एक तरीके से, घर घर था, होटल नहीं था। उसके बाद ये 1940 में कंप्लीट हो के तो लोग रहने लगे। उसके बाद जो है अभी 8-10 साल से करीब जो है ये होटल मतलब भाई ने कर दिया है, क्योंकि इसमें कमरे थे ज़्यादा तो उन्होंने, स्टेशन के पास भी है तो इसलिए होटल कर दिया है। तो इससे कमाई का ज़रिया ही बन गया है, और जो है सब अपना धंधा पानी सही चल रहा है। ये देखिए सबसे ऊपर सब कबाड़ खाना भरा हुआ है, जो भी लोग आते हैं तो सब बोतल वोतल फेंक जाते हैं, तो सब तोड़ टूटा फूटी होती रहती है। कूलर वूलर की और सभी चीज़ें, ये 4-4 टंकियाँ हैं। ये सबसे ऊपर फ्लोर पे हैं हम, मतलब थर्ड फ्लोर पे हैं, थर्ड से भी मतलब छत है उस, समझो फोर्थ समझ लो इसको। तो ये देखिए चारों तरफ ये, यहाँ पे ज़्यादातर मकान जो हैं पुराने ही पुराने बने हुए हैं। ये देखिए कितने पुराने पुराने मकान बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे, और जो मेन चीज़ जो आपको दिखाना थी वो अब हम दिखाने वाले हैं। और अब हम चलते हैं सबसे नीचे जहाँ से आए थे अभी, ठीक है, और बाहर जाके आपको पूरा होटल का व्यू दिखाते हैं, जिससे आपको थोड़ा वीडियो देखने में अच्छा लगे। तो चलिए, और आप ये देखिए ये क्या होटल है पूरा, ये थोड़ा जूम आउट करके दिखाना चाहते हैं आपको, लेकिन नहीं हो रहा है, तो चलिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये देखिए ये देखिए ये लिखा हुआ है प्रयागराज पैलेस। ये देखिए कितना बारीकी से काम किया हुआ है इसमें, कितना भाई ने बताया 5 साल लगी, भाई लग गई होंगी इसमें 5 साल, 5 साल तो आराम से लग गई होंगी भाई इसमें होटल में। वाकई में बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और इस साइड में दूसरी साइड भी देख लीजिए, होटल की दूसरी साइड आई है, ये देखिए सब तरफ से एक जैसा बना हुआ है, एक से एक मतलब डिज़ाइन देखिए आप, डिज़ाइन देखने लायक डिज़ाइन है ये सब। इतनी बड़ी भाई पहले के ज़माने में कोठी हुआ करती थी, तो कोठी को उन्होंने होटल में तब्दील कर दिया है मतलब। और ये पीछे का हिस्सा है कुछ, ये पीछे का हिस्सा तो ऐसे ही है, देखिए आ सकते हैं कि ये जो है कितना पुराना होगा। देखिए पीछे से, पीछे से डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं है, तो इस हिसाब से देखिए आप आगे को भाई जो है डेंटिंग पेंटिंग करवाते रहते हैं, तो ये एकदम चमक रहा है। ज़्यादातर सब पुराने पुराने मकान बने हुए हैं, है देखिए सब। आपने ये जो है होटल देख लिया, अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं रह गया, बस यही था जो आपको दिखाना था। तो गाइस अब चलते हैं अपने रूम में, फिर आपसे मिलते हैं, चलिए चलते हैं। क्या आपने देखा कि मैंने होटल का ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाया आपको, हर तरफ डिज़ाइन भी दिखाई छोटी छोटी, और मतलब कमरे भी दिखाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस ये आपको वीडियो अगर पसंद आई हो ना, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, संग में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। और गाइस यार आप देख के चले जाते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट भी कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।